नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फसल के नुकसान होने पर मिलने वाली सहायता राशि के लिए किसान करे आवेदन। बिजली चोरी करने वाले हो जाए सावधान। अब जमीन मालिकों को ऑफलाइन रसीद के लिए नहीं लगाने होंगे कार्यालय के चक्कर। आज बिहार वासियों को पीएम मोदी देंगे वंदे भारत की सौगात। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए खड़े उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय। यूपीआई या नेट बैंकिंग से गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाने पर यहां करें शिकायत। मोहम्मद शमी को लेकर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दिया बड़ा अपडेट। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ने 9000 पदों पर निकाली बंपर भर्ती। वैसे युवा जो रेलवे में सरकारी नौकरी की इच्छा रख रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल तकनीशियन ग्रेड एक सिग्नल के 1100 पदों पर और तकनीशियन ग्रेड तीन के 7900 रिक्त पदों पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 अप्रैल है। इच्छुक उम्मीदवार www.rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 33 या 36 वर्ष पद के मुताबिक होनी चाहिए। इस आवेदन के लिए आपसे ₹500 लिए जाएंगे। हालांकि आरक्षित उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में ₹250 ही देने होंगे। इस भर्ती से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप इसकी अधिसूचना को देख सकते हैं। फसल के नुकसान होने पर मिलने वाली सहायता राशि के लिए किसान करे आवेदन। आईपीआरडी बिहार ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर फसल के नुकसान पर कैसे सहायता राशि ले, इस संबंध में कुछ पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत रबी 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की बात कही गई है, तो प्रदेश के किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए रैयत किसानों के पास अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व और रसीद होना जरूरी है। वहीं गैर रैयत किसान के पास स्वघोषणा पत्र होना जरूरी है। ये वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने चाहिए। वहीं जो रैयत और गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान होंगे उनके पास अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व और रसीद होना जरूरी है। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप आईपीआरडी बिहार के एक्स हैंडल पर देख सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कल्पना सिंह के बारे में। कल्पना सिंह 90 दशक के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1966 में बिहार के गया जिले में हुआ था। इन्होंने मगध विश्वविद्यालय बोधगया से राजनीति शास्त्र में एमए की पढ़ाई पूरी की थी। इनकी प्रमुख काव्य संग्रहों में चांद का पैबंद, तफ्तीश जारी है और निशान तो उल्लेखनीय है, जिसे बिहार राज्य सभा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इन्होंने अंग्रेजी में भी कई काव्य संग्रह लिखे हैं। साथ इनकी कविताओं का प्रकाशन देश विदेश की प्रमुख पत्रिकाओं में भी हुआ है। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेबनान के नाजी नामन लिटरेरी अवार्ड, राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड आदि शामिल है। बिजली चोरी करने वाले हो जाएं सावधान। अभी भी प्रदेश में कई जगहों पर बिजली चोरी का मामला सामने आता है, लेकिन इस पर लगाम लगाने के लिए बिजली चोरी के खिलाफ कई स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं। ये निर्देश साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी महेंद्र कुमार द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि डिस्कनेक्ट बिजली कनेक्शन वाले मीटर की जांच की जाए, इसमें बिजली चोरी पकड़ी जा रही है। उन्होंने बताया है कि 18,462 उपभोक्ताओं का कनेक्शन डिस्कनेक्ट है। जिन भी उपभोक्ताओं के यहाँ बिजली चोरी का मामला सामने आया है उनके खिलाफ स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि छापेमारी अभियान के दौरान मीटरों की जांच भी की जा रही है। बाल श्रम विभाग हुआ सख्त। स्कूल के समय में बच्चों से काम करवाने पर होगी कार्रवाई। विभाग ऐसे अभिभावकों को चिन्हित कर कार्रवाई कर सकता है जो स्कूल के समय में बच्चों से काम करवा रहे हैं या अपने व्यवसाय में सहयोग ले रहे हैं। आपको बता दें कि श्रम संसाधन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। साथ ही बाल एवं किशोर श्रम संसाधन नियमावली भी लाई गई है। इसका उद्देश्य है बिहार में बच्चों से बाल श्रम ना लिया जाए। हालांकि अभिभावक अपने बच्चों से घर के व्यवसाय में सहयोग तो ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि बच्चों के पठन पाठन इससे प्रभावित ना हो। साथ ही स्कूल अवधि में भी बच्चों के से काम लेना सख्त मना है। इसके अलावा बच्चे से ऐसा कोई काम लेना भी मना है जिससे वे थक जाएं या उन्हें किसी प्रकार का खतरा हो। साथ ही सेवा सहायता के तौर पर कोई भी एक दिन में केवल 3 घंटे तक ही बच्चे से काम ले सकता है। बता दें कि यदि कोई बच्चा लगातार 30 दिनों तक स्कूल से गायब पाया जाता है तो प्रधानाध्यापक इसकी जानकारी सूचना नोडल अधिकारी को देंगे।
आज से इस्लाम के पाक महीने की हुई शुरुआत। आज से इस्लाम धर्म में रमजान की शुरुआत हो चुकी है। इस्लाम धर्म में रमजान का ये महीना काफी पाक माना जाता है। रमजान की शुरुआत सुबह में सहरी के साथ होती है और शाम के समय इफ्तार के साथ रोजा मुकम्मल होता है। ये सिलसिला इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक पूरे एक महीने तक चलता है। रोजा के दौरान दिन भर लोग पानी के एक बूंद भी नहीं लेते। अलग अलग जगहों पर सहरी और इफ्तार का अलग अलग समय हो सकता है, इसलिए सहरी और इफ्तार के समय की सही जानकारी आप संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ से ले सकते हैं। अब जमीन मालिकों को ऑफलाइन रसीद के लिए नहीं लगाने होंगे कार्यालय के चक्कर। ऑफलाइन रसीद का झंझट खत्म करके राज्य सरकार ने बिहार में जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि इस फैसले के बाद अब प्रदेश में ऑनलाइन रसीद को मान्य कर दिया गया है। अब जमीन मालिक ऑनलाइन लगान जमा करने के साथ ही ऑनलाइन तरीके से लगान की रसीद भी ले पाएंगे। पहले भू मालिकों को लगान का रसीद कटाने के लिए राजस्व कर्मचारी और कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद जमीन मालिकों को इस झंझट से मुक्ति मिली है। साथ ही जमीन मालिकों का वक्त और पैसा खर्च दोनों बचा है। जमाबंदी आसानी से अपने नाम करवाने के लिए बिहार में शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि लोग आसानी से अपने पूर्वजों की जमीन अपने नाम करवा सके। ककोला जलप्रपात को धरोहर सूची में शामिल करने के साथ ही महोत्सव की हुई शुरुआत। बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले ककोला जलप्रपात के बारे में कौन नहीं जानता है। अब बिहार सरकार ने भी ककोला जलप्रपात को प्राथमिकता देते हुए इसे धरोहर की सूची में शामिल किया है। साथ ही हर वर्ष ककोलत महोत्सव मनाने का निर्णय भी लिया गया है। आपको बता दें कि ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है, इसलिए नवादा के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद ही ककोलत महोत्सव की शुरुआत की। UPI या नेट बैंकिंग से गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाने पर यहां करें शिकायत। देश में UPI पेमेंट ने हमारे जीवन को पहले से काफी आसान बना दिया है। इसके आने से घर बैठे ही हम बैंक से जुड़े कई कामों को काफी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कई बार कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि UPI या नेट बैंकिंग से किसी को पैसे ट्रांसफर करने के दौरान पैसे गलत खाते में ट्रांसफर हो गए हों। यदि ऐसा होता है तो आपको सबसे पहले इसकी शिकायत दर्ज करनी होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक गलत ट्रांजेक्शन हो जाने पर इसकी जानकारी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर सपोर्ट को देनी चाहिए। साथ ही इसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-1201-740 पर भी कॉल कर सकते हैं। यदि इससे भी मामला नहीं बनता है तो आप NPCI के पोर्टल पर जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आज बिहार वासियों को पीएम मोदी देंगे वंदे भारत की सौगात। 85,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी 10 नई वंदे भारत ट्रेन का परिचालन का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि अहमदाबाद से वर्चुअली माध्यम से पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर न्यू जलपाईगुड़ी से रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जिन 10 वंदे भारत को अहमदाबाद से हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं, उनमें पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से पटना तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। बता दें कि इस बात की जानकारी कटिहार रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुरेंद्र कुमार ने दी है। बिहार में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय कर रही कार्रवाई। पुलिस मुख्यालय द्वारा बिहार में लगातार बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई के तहत जिलों में नए थाने खोले जा रहे हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा दियारा क्षेत्र में बढ़ते शराब और हथियार की तस्करी व अवैध बालू खनन और भंडारण पर नकेल कसने के लिए पहल चल रही है। इसके लिए कई क्षेत्रों को चिन्हित भी किया गया है। साथ ही बिहार पुलिस व एसटीएफ की तैनाती भी की गई है। चिन्हित हुए जगहों में बिहार के 18 जिले शामिल हैं। इन जगहों पर 50 पुलिस कैंप लगाए जाने की तैयारी है। बता दें कि दियारा क्षेत्र में अब तक कुल 41 पुलिस कैंप खोले जा चुके हैं। मनरेगा में लाभुक या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास जॉब कार्ड पर काम करना होगा अनिवार्य। निजी जमीन पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत काम होता है। इन कामों में पौधारोपण, पोखर खुदाई और अन्य कई योजनाएं शामिल हैं, लेकिन अब निजी जमीन पर काम करने के लिए कुछ दिशा निर्देश का पालन करना भी जरूरी होगा, जिसके तहत निजी जमीन पर काम करवाने के लिए मालिकाना हक का पूरा ब्यौरा देना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही जमीन मालिक का जॉब कार्ड धारी होना या उसके परिवार के किसी जॉब कार्ड धारी सदस्य का काम करना भी जरूरी होगा। आपको बता दें कि निजी जमीन पर मनरेगा का काम वही करवा सकते हैं जो जॉब कार्ड धारी होंगे। ये नियम पहले से भी थे, लेकिन अब लाभुक या उसके परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य जिनके पास जॉब कार्ड हो उन्हें काम करने को भी इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। खिलाड़ियों को मिली सौगात। बिहार का पहला सिंथेटिक ट्रैक का जिले में हुआ उद्घाटन। बिहार के पूर्णिया में खिलाड़ियों को बड़ी सौगात देते हुए खेलो इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी स्टेडियम में 7.50 करोड़ रुपए की लागत से बने सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया गया है।
बीते ही दिन केंद्रीय खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। इसके उद्घाटन के दौरान खिलाड़ियों ने खुशी जताते हुए कहा है कि पहले वे लोग मिट्टी के मैदान में खेलते थे, जिस कारण नेशनल और इंटरनेशनल गेम में सिंथेटिक ट्रैक पर पिछड़ जाते थे, लेकिन अब बिहार का पहला सिंथेटिक ट्रैक पूर्णिया में बना है। खिलाड़ियों ने बताया है कि अब वे इस पर प्रैक्टिस करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाकर पूर्णिया का नाम रोशन करेंगे। राज्य सरकार ने सभी विभागों से उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग। सभी विभागों से खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग राज्य सरकार द्वारा की गई है। साथ ही कहा गया है कि जल्द से जल्द ऐसे तमाम प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जाए। बता दें कि इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग द्वारा सभी संबद्ध विभागों को पत्र भेजा गया है। केंद्र से राशि प्राप्त करने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जरूरी है, ताकि चल रही कई कल्याणकारी योजनाओं की राशि प्राप्त की जा सके। कई विभागों के पास उपयोगिता प्रमाण पत्र का मामला लंबित पड़ने की बात विभागीय समीक्षा के दौरान सामने आई थी, जिसके बाद सभी विभागों को योजना एवं विकास विभाग द्वारा पत्र भेजा गया। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में हुई बढ़ोतरी। मार्च महीने के शुरुआत के साथ ही प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि आज से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इससे हवा के रुख में भी बदलाव आने की संभावना है। फिलहाल बिहार में पछुआ हवा देखने को मिल रही। मौसम विभाग के मुताबिक आज का मौसम शुष्क रहने वाला है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री और कई जगहों पर 14 से 16 डिग्री रहने की संभावना भी जताई गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नौकरी में 65% आरक्षण के मामले में एचसी ने फैसला रखा सुरक्षित। एससी एसटी ईबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण दिए जाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि इस मामले को लेकर गौरव कुमार और अन्य द्वारा याचिका दायर किए गए थे, जिसके बाद 11 मार्च को इस पर सुनवाई पूरी हुई। राज्य सरकार की तरफ से बहस कर रहे महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया था कि सरकार ने ये आरक्षण वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण किया है। सरकार द्वारा ये आरक्षण अनुपातिक आधार पर नहीं किया गया है। पटना और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया इस दिन से होगी शुरू। अकेडमिक सेशन को पटरी पर लाने के लिए कवायद पटना और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में की जा रही है। जल्द ही नामांकन की प्रक्रिया भी पटना के दोनों ही यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाएगी। बता दें कि अधिकतर विश्वविद्यालयों ने अपना अकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। जो भी विश्वविद्यालय पहले से ही समय पर चल रहे, वे अपने सत्र को नियमित करने पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं 18 अप्रैल से पटना यूनिवर्सिटी में और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 2 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि 20 मई तक पटना विश्वविद्यालय में ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। वहीं 15 जून से 8 जुलाई तक स्नातकोत्तर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। विधान परिषद के 11 सीटों के लिए खड़े उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय। विधान परिषद के लिए राजद, भाजपा और माले के उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किया जा चुका है। राजद की तरफ से राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर, फैसल अली, वहीं माले की तरफ से शशि यादव और भाजपा की तरफ से मंगल पांडे, अनामिका सिंह और लाल मोहन गुप्ता ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं जदयू से सीएम नीतीश और खालिद अनवर व हम पार्टी से संतोष सुमन ने भी नामांकन पर्चा भरा है। कहा जा रहा है कि चुनाव के लिए नामांकन किए इन सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। बता दें कि ये चुनावी परिणाम 14 मार्च को घोषित किए जाएंगे। विदेश दौरे पर गए सीएम नीतीश कुमार लौटे बिहार। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला हो सकता है तय। विदेश दौरे पर गए सीएम नीतीश कुमार अब वापस पटना आ चुके हैं। हालांकि पटना पहुंचने के दौरान उन्होंने किसी भी पत्रकार से कोई बातचीत नहीं की और अपने आवास के लिए निकल गए थे। बता दें कि विदेश दौरे पर गए सीएम नीतीश कुमार अपने समय से पहले वापस बिहार आ गए हैं, क्योंकि एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा था। हालांकि अब सीएम नीतीश कुमार के आने के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एनडीए में जल्द ही सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो सकता है। चिराग के साथ गठबंधन करने के सवाल पर तेजस्वी का बयान। सीट शेयरिंग मामले को लेकर चिराग पासवान के एनडीए छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। चिराग पासवान की नाराजगी की चल रही चर्चाओं के बीच कई बार राजद के नेताओं ने इशारों में चिराग पासवान को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया था। अब इसी बीच इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। दरअसल बीते दिन पत्रकारों ने जब तेजस्वी से चिराग के साथ गठबंधन को लेकर सवाल किया, तो उसके जवाब में तेजस्वी ने कहा कि समय आने पर इसका जवाब मिलेगा। मोहम्मद शमी को लेकर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दिया बड़ा अपडेट। वनडे विश्व कप 2023 से ही मोहम्मद शमी टखने की चोट की वजह से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। अभी हाल में ही उन्होंने अपने एड़ी की भी सर्जरी करवाई है। अब इसी बीच मोहम्मद शमी को लेकर बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा है कि मोहम्मद शमी बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज में वापसी करेंगे।
कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1930 में गांधी जी ने औपनिवेशिक भारत में नमक पर ब्रिटिश कर को चुनौती देने के लिए 24 दिनों की पैदल यात्रा के रूप में नमक मार्च को शुरू किया था। आज के दिन वर्ष 1993 में बॉम्बे में विस्फोट हुए थे जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई तो कई लोग घायल भी हुए थे। आज के दिन वर्ष 1995 में कांग्रेस आम चुनाव हारी थी। आज के दिन वर्ष 1911 में दयानंद बडोदकर का जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध भारतीय राजनेता थे। आज के दिन भारतीय गायिका श्रेया घोषाल का 1984 में जन्म हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हो रहे केंद्र सरकार के इस योजना के बारे में। व्हाट्सएप पर इन दिनों केंद्र सरकार की योजना के नाम पर एक खबर वायरल होती दिख रही है। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हो रहे इस मैसेज में प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना की बात की जा रही है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा बेरोजगार लोगों को 3,500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है जिसके तहत बेरोजगारों को 3,500 रुपये मिलेंगे। इसलिए इस तरह की फर्जी खबर पर विश्वास करने से बचें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर इस खबर को लेकर पोस्ट शेयर किया है जिसके तहत बताया गया है कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। साथ ही ऐसे योजना का लाभ पाने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करने से भी बात कही जा रही है। लेकिन ध्यान रखें, इससे आपको वित्तीय नुकसान या किसी डेटा के चोरी होने का नुकसान भी हो सकता है। व्हाट्सएप पर इस तरह से लास्ट सीन को करे हाइड। व्हाट्सएप हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसमें कई फीचर्स ऐसे हैं जो हमारे बड़े ही काम के हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे फीचर के बारे में जिससे आप अपने ऑनलाइन स्टेटस को हाइड कर सकते हैं। ऐसे हाइड करने के लिए आपको सबसे पहले इसके सेटिंग में जाना होगा। यहाँ आने के बाद आपको प्राइवेसी का विकल्प दिखेगा, लेकिन इसमें आपको लास्ट सीन एंड ऑनलाइन पर जाना है। यहाँ से आपको चुनिंदा लोगों के लिए या सभी के लिए अपने ऑनलाइन स्टेटस को हाइड कर सकते हैं। मिशन दिव्यास्त्र के सफल परीक्षण पर पीएम मोदी ने दी बधाई। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित हुई अग्नि 5 मिसाइल का बीते ही दिन सफल परीक्षण हुआ है। डीआरडीओ द्वारा इस सफल परीक्षण का नाम मिशन दिव्यास्त्र दिया गया है। इस सफल परीक्षण के होने के बाद भारत के सिंगल मिसाइल को अलग अलग वॉरहेड और अलग अलग लोकेशन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस उपलब्धि के बाद डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को पीएम मोदी ने बधाई दी है। साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे डीआरडीओ वैज्ञानिकों पर गर्व है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे नर पदों की परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किया है? ऑप्शन ए है सुधा मूर्ति को, ऑप्शन बी है जावेद अख्तर को, ऑप्शन सी है मालिनी अवस्थी, ऑप्शन डी है कुमार विश्वास को। इसका सही उत्तर है सुधा मूर्ति को। कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान ने, ऑप्शन बी है अश्विनी वैष्णव ने, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा ने, ऑप्शन डी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसका सही उत्तर अर्जुन मुंडा ने। हाल ही में विकसित भारत अम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए शिलोंग में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है जयपुर में, ऑप्शन डी है अहमदाबाद में। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नालंदा में, ऑप्शन बी है मुंगेर में, ऑप्शन सी है भागलपुर में, ऑप्शन डी है पटना में। इसका सही उत्तर है भागलपुर में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बिहार शरीफ, ऑप्शन सी है बोधगया, ऑप्शन डी है वैशाली। इसका सही उत्तर है बिहार शरीफ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गोलू कुमार, पंकज कुमार दास, मोतीलाल कुमार, रविशंकर, राजेश कुमार मांझी,
राम प्रजापति, संदीप कुमार, नैना देवी, सुकुमार सिंह बादल, गायत्री कुमारी, राजीव कुमार, विद्यासागर, मोहम्मद साकिर हुसैन, गोनर शर्मा, हरीश। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।